स्नेहा। हाँ दी। दरवाजा खोल। हाँ देखती हूँ दीदी। हाय जीजू। ओ हाय। आओ अंदर, दीदी आपकी राह देख रही है। बैग मुझे दीजिए ना। कम। जा रही हो? हाँ जीजू, इंटरव्यू है। विश मी लक। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन इंटरव्यू इन कपड़ों में थोड़ी फैशनेबल नहीं? कम ऑन जीजू, जॉब तो मिलना ही चाहिए मुझे। थोड़ा बहुत ग्लैमर तो हर कोई चाहता है, नहीं? I'll see you later. आज देर लगा दी आने में? आओ। आज ऑफिस में याद नहीं आई मेरी? एक भी बार फोन नहीं किया आपने। वो शाम को घर आने वाला था तो फिर इसलिए फोन नहीं किया। भूख लगी होगी ना? मैंने आपके पसंद के हरियाली कबाब बनाए हैं। सॉस के साथ दूं या? रहने दो, भूख नहीं। सॉरी, मैंने पहले खाने की बात की। पर्दा क्यों बंद करूं मैं? मुझे किससे क्या डरना? बीवी हूं मैं तुम्हारी। बीवी नहीं हो तुम मेरी, और आइंदा बनने की कोशिश भी मत करना, समझी? ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या आपका नाटक लगा रखा है तुमने? तंग आ गया हूं मैं। देखो नेहा, अब मैं तुम्हारे साथ वैसे नहीं चल सकता। मैं आखिरी बार तुमसे ये कहने आया हूं कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे, ना हम मिलेंगे और ना ही मैं तुम्हारी कोई किसी तरह की मदद करूंगा। लेकिन निलेश, निलेश, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। हमेशा नई दुल्हन की तरह पेश आना, तुम्हें खुश रखना, ये भूल जाना कि तुम्हारी कोई बीवी भी है। तो आइंदा मत करना। और हाँ, जो हर महीने तुम्हें मैं पैसे देता आ रहा हूं ना, अब मैं दोबारा नहीं दे पाऊंगा तो मेरा क्या होगा? तुम कोई नया बकरा ढूंढ लेना। और हाँ, आज के बाद भूल जाना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में था। अरे बीवी है मेरी, कल उसको पता चला तो अपने बाप को कह के मुझे तो सड़क पर ले आएगी। नाम? स्नेहा। पूरा नाम? पहला नाम अच्छा लगा हो तो फिर पूरा नाम बताऊंगी। घर पे क्या बोल के आई हो? माँ को बोला है, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तो शुरू करें इंटरव्यू। अभी तक जॉब ऑफर नहीं किया आपने और पास बैठने को कह रहे हैं। एक तो ऐसे ही आधे घंटे लेट आई हो, ऊपर से बैटिंग कर रही हो। चलो बाओ। एक मिनट। अश्विन, ये बाल तुम्हारी बीवी का है या फिर तीसरी लड़की का? ट्रस्ट मी, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ है,
बीबी, पर छोड़ो उसकी बातें, आओ। इतनी जल्दी? किसका है? दीदी का था। बाद में बात करो, आ जाओ। हेलो, कहाँ है तू? आपको बताया तो था, वो इंटरव्यू के लिए आई हूँ मैं। घर आ जल्दी। What happened? घर आ जल्दी, अभी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? अश्विन, माँ को अटैक आ गया। I need to go। मैं तुम्हें छोड़ दूँ घर तक? नहीं नहीं, तुम आओगे और प्रॉब्लम्स हो जाएगी, कई सवाल खड़े हो जाएंगे। तुम मत आओ। I'll go alone। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर के बाहर तक छोड़ता हूँ। ओके। क्या करती? मैं बोल रहा था कल से नहीं आएगा, पैसे भी नहीं देगा, मार दिया मैंने। दीदी ये तो जिंदा है। कुछ नहीं, मामूली सा है। तुमने मेरी बहन को धोखा दिया ना, उसने तुम्हें धक्का दिया तो तुम गिर गए, उसकी चोट है ये। मैंने ना तुम्हारी जान बचाई है, तो इसीलिए अब निकलो, दोबारा ना अपनी शक्ल मत दिखा देना। और रुको, अपना ये बैग भी लेके जाओ, निकलो बाहर। मुझे तो लगा वो गया। थैंक्स नेहा। थैंक्स किस बात का दी? बहन हूं तेरी, एक दूसरे को सपोर्ट करना है ना हमें। चल एक काम करते हैं, जमीन साफ करते हैं, ठीक है? गंदी करके चला गया बेवकूफ। तू टेंशन मत ले, बाद में बैठकर मुझे सारी चीजें बताना, ठीक है? हाँ दी, बस 5 मिनट और। नेहा वो सीढ़ियों के डब्बे भी साफ करने हैं। हाँ अरे दीदी, वो भी साफ करने जाएंगे तो लोगों को और शक होगा, और वैसे भी मरा थोड़े ना था वो। खामखा टेंशन ले रही हो तुम भी। ये बात भी है। अच्छा ये बता, तेरा वो दूल्हा कैसा है? अश्विन। हाँ ये चीज तो मेरे लिए बहुत आसान है। अच्छा हाँ, क्यों? उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं, बीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो आई मैनेज। ठीक ठाक कमाता तो है ना? ऑफ कोर्स दीदी, 5-स्टार होटल में मिलते हैं हम लोग, और नीलेश से ज्यादा ही कमा लेंगे। ओह वाह। हेलो, कैसी हैं? यस जी, बोलिए। आपने ऐड दिया था अपने घर के कमरे को किराए पर देने के लिए? हमने जी, नहीं लगता आप गलत घर में आ गए। गलत पते पर पहुंचना हमारी फितरत नहीं है मैडम, हम बिल्कुल सही पते पर आए। देख लीजिए आप, अगर गलत होगा तो हम चले जाएंगे।
सही है पता? इसका मतलब आप हमारे घर में छुप छुप कर देखते हैं? आपको शर्म नहीं आती? बड़ी शर्म आती, पर क्या करें, आपकी प्यारी बहन इतना शोर करती है कि हमारी बिल्डिंग तक आवाज पहुंचती है। कैसे नजरें बंद कर लें बताइए। चाहते क्या आप? छोटी सी चीज, एक किराएदार आपके साथ रहने आने वाला है। क्यों क्यों ये बताना जरूरी है? चलिए बता देते हैं। दरअसल जिस बंदे को आपने यहाँ मारा ना, वो आपके सामने तो उठकर चला गया, लेकिन बाहर नुक्कड़ पर जाकर गिर गया और मर गया। जी मर गया। पुलिस उसको ले जा चुकी है और अब उसका होगा पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा कि उसकी मौत सर पर चोट लगने के कारण हुई है। और जैसे ही पुलिस को यह मालूम पड़ेगा, पुलिस आपके दरवाजे पर। हमारे दरवाजे पर क्यों आएगी? क्यों, इतना सारा सवाल? अरे भाई मेरे पास सबूत है, वीडियो है, 2 मिनट में आ जाएगी। अब मैं चाहूं तो ये वीडियो 2 सेकंड में पुलिस के पास पहुंच सकता है, पर मैं सोच रहा हूं कि उससे पहले 2 सेकंड का वक्त आपको दे दिया जाए। आप फैसला कर लीजिए कि ये वीडियो मैं पुलिस को पहुंचाऊं या किराएदार आपके घर पर। क्या बात है, आपके चेहरों ने जवाब दे दिया। किराएदार चाहिए ना? हाँ? बस 10 मिनट दीजिए मुझे, अब भी भेजता हूं। ठीक है। ओह क्या कर रहे हैं? Calm down, relax. You need to calm down first. We will manage. कैसे? जेल जाकर? उसकी फिलहाल बातें मान कर दीजिए। लेकिन कौन आ रहा है घर पे? मुझे क्या पता, तुम्हें पर्दा खुला रखना जरूरी था क्या? यार मुझे क्या पता ये सब हो जाएगा। बड़ी बहन यानी दीदी, दीदी माँ का ही दूसरा रूप होती है। दीदी अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश करती है, उन्हें कभी अपनी आंखों से अलग नहीं होने देती, और इसीलिए दीदी की छत्रछाया में बच्चे हमेशा आश्वस्त रहते हैं। लेकिन आज की कहानी की दीदी ने अपनी बहन को जिंदगी खुशहाल करने का एक अजीब फॉर्मूला सिखाया था। शादीशुदा मर्दों को अपने जाल में फंसाकर उनका सब कुछ लूटने पर मजबूर करती थी, वो उनसे अपना घर चलवाती थी, छोटी बहन को अपने से 4 कदम आगे बढ़ने की दीक्षा दे रही थी। कुछ सालों तक यह फॉर्मूला बड़ा कामयाब रहा, और फिर एक दिन ऐसा जा फंसा कि जेल जाने की नौबत आ चुकी थी। गलत काम करते हुए घर के पर्दे खुले रखे हुए थे। दीदी व उसकी करतूतों से भी जल्दी ही पर्दा उठने जा रहा था। आप? जी मैं ही रहूंगा यहां पर। थैंक यू। वाह कमाल का खूबसूरत घर है भाई, बड़ा पैसा बनाया है। वैसे शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। किस चीज का? अरे आपने मुझे किराए पर रहने की परमिशन दी, इस बात का। वैसे एक बात बताइए, हमको किराया कितना देना होगा? मतलब हमें अकेले रहना है या शेयर करना होगा? मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपका कमरा उधर है, आप अकेले रहेंगे। ओके। Excuse me? हम आप पर कैसे विश्वास कर लें कि नीलेश मर चुका है? हमारे सामने तो यहाँ अपने पैरों पर चल के गया था। वाह पहली बार आपने बुद्धिमानी का सवाल किया भाई दबे। वैसे आपका सवाल सही है, जब आप किराए पर किसी को रखो तो उसके बारे में सारी जानकारी होना चाहिए, मसलन पैन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस। मैं आपका पैन कार्ड दिखा देता हूँ, और उसे देखिएगा। आप भी देख लीजिए मैडम, किया धारा तो आप ही का है। अच्छा ये बताइए, इतना काफी है या ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाऊं? बस क्या है, पुलिस आ गई थी ना, तो अब आगे वीडियो शूटिंग कर नहीं सकते थे। वैसे आप लोग डर क्यों नहीं है? अरे हम आपके पड़ोसी हैं, और अब तो किराएदार भी, तो मुंह बंद। जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं, आपको कोई खतरा नहीं। अरे मत डरिए भाई। अच्छा सुनिए, मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो सुन लीजिए। मेरा नाम है रंजीत, और प्यार से लोग मुझे कुक्कू बुलाते हैं, पर चाहे तो आप नहीं।
आप चाहें तो प्यार से बुला सकती हैं। आप अपने कमरे में जाइए प्लीज। ओके। पीछे क्या है ना, रिश्तेदारों को बुला लिया और हमारा काम तमाम कर दिया, तो फोन तो हमारे पास ही रहेंगे दोनों। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सच में हो रहा है कोई सपना चल रहा है? सुनना, इस आदमी का क्या कर सकते हैं हम? दीदी मैं भी लगातार यही सोच रही हूँ, हम दोनों के फोन्स भी लेके हैं और अगर मेरे मैसेजेस पढ़ लिए तो बहुत कुछ है उसमें दीदी। जानता हूँ, इनको उठाइए जरा, घर छोड़ दो, मेरे पहचान वाले हैं, आपको घर छोड़ देता हूँ, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता, धन्यवाद। यही घर है ना? क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं, शायद गिर गए हैं, घाव है, आप दवाई लगा दीजिएगा प्लीज। हाँ। और डॉक्टर को भी बुला लीजिए। मैडम ये सर का बैग। हाँ। अच्छा सर, डॉक्टर को बुला के दिखा लीजिए। हाँ जी। अश्विन बोल रहा हूँ, माँ कैसी है तुम्हारी? हेलो, देखो मैंने तुम्हें घर छोड़ दिया था, उसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बारे में ही सोच रहा हूँ, कुछ भी मदद चाहिए तो मैसेज कर देना, ओके? फोन पे बात नहीं कर सकता अभी, क्योंकि किसी भी वक्त बीबी अंदर आ जाएगी, लेकिन मैं मैसेज करता रहूंगा, ओके? चलो रखता हूँ, बाय। अश्विन ना, ऐश, डॉक्टर ने बोला है कि माँ को अगर बचाना है तो आज ही रात को दो ऑपरेशन करने होंगे, 10 लाख रुपए लगेगा, कहाँ से लाऊं मैं? अगर तुम दे दोगे तो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। थैंक यू। मैं अरेंज कर दूंगा उल्लू के पट्टे। थैंक यू सो मच। जब घर पर आओगे ना तो बेल मत बजाना, मुझे मैसेज कर देना, जीजा जी आकर तुमसे पैसे ले लेंगे, ठीक है? आई लव यू सो मच, बाय। कमाल करते हैं ना आप लोग, 10 बज गए हैं भाई, भूख लग रही है,
आप लोगों को खाना नहीं खाना या भूख मर गई? अरे किस बात की टेंशन चल रही भाई? अच्छा एक बात बताओ, हमको मारने वारने का विचार तो नहीं आ रहा था दिमाग में? देखो अगर आ रहा है तो अभी थूक दो, क्योंकि इतने गंदे विचार आएंगे तो हमारे दिमाग में भी विचार आ सकता है कि क्यों ना ये वीडियो पुलिस को भेज दे। किसी का फायदा नहीं है, ना आपका ना हमारा, इसलिए आप अपने गंदे विचार त्याग दो, हम अपने गंदे विचार त्याग देते हैं। ओके ठीक है, लीजिए। क्या ये है? तेल है, क्या करें, बचपन से आदत है, बिना लगाए नींद नहीं आती। कौन लगाएगा आप दोनों में? अरे चलिए छोड़िए, हम फैसला कर देते हैं। अच्छा सुनिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 में लगा धागा, जो निकल के भागा, अच्छा खाना खाएगा, सिपाही बनकर आएगा, रूपनगर प्रेम गली खोली नंबर 420। नो एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लगाइए। मैं नहीं लगाऊंगी, मैं लगा देती हूँ। वाह, छोटी है पर सयानी है आपसे ज्यादा, अच्छे से लग जाइएगा प्लीज। अरे मैडम ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमारा सिर फोड़ना चाहती हैं? अगर ऐसा विचार हो तो त्याग दीजिए। हाँ ऐसे प्यार से। वाह दैट साइड प्लीज। ओहो इसे कहते हैं परमानंद। इतनी जल्दी हार मान? चलिए ठीक है भाई, पहला दिन है, इट्स ओके, कल ज्यादा टाइम। अच्छा दोनों बहनें, एक बड़ी बुरी आदत है हमें, ठीक 7:30 बजे चाय पीते हैं, कड़क तेज अदरक चीनी कम और पानी बिल्कुल भूल के भी नहीं। ओके गुड नाइट, बाय बाय। तेरी कितनी बार कहा है जिस बात में आकर डिसीजन मत लिया कर, किसी का खून कर दिया तूने, दोनों को फंसा कर रख दिया कमरे के पर्दे खुले छोड़कर, कितनी बेवकूफी करी है दीदी तूने। अश मैंने सिखाया तुम्हें, लेकिन संस्कार कभी भूलने नहीं दूंगी। बड़ी बहन हूं तेरी, बड़ी बहन से ऐसे बात करते हैं? ये सिखाया मैंने तुझे, जेल जाना है ना तो मैं जाऊंगी, फंसना है तो मैं फंसूंगी, तुझ पर कभी आश नहीं आने दूंगी। छोटी बहन है तू मेरी, सॉरी। चाय चाहिए ना उसे? मैं पिलाऊंगी चाय, मैं पिलाऊंगी से अच्छे से चाय। कैसे निकलेगी? रंजीत यहां है, एक हाथ में जो पकड़ी है फेंक। जिस चीज से तू खेल रही है ना, बचपन में खेल के छोड़ चुका हूं मैं, निकल यहां से। निकलती है या वीडियो भेजूं पुलिस को? अब उठा के दो वो। शाबाश, गुड नाइट।
शाबिश आउट। वैसे तो हम किसी एक व्यक्ति की आपराधिक सोच आपके सामने रखते हैं, लेकिन आज की कहानी में कौन किससे बड़ा अपराधी है, कौन किससे अधिक शातिर है, यह कहना बहुत मुश्किल है। और हां, मैं केवल रणजीत और दोनों बहनों की बात नहीं कर रहा हूं, जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, जो इनके मोह जाल में फंस गए हैं, वे भी तो एक किस्म के अपराधी हैं। आज के जमाने में आपके अपने फोन आपके हमराज होते हैं, और यही हमराज आगे चलकर आपके खिलाफ जाने वाले सबसे बड़े गवाह बन जाते हैं। आप किससे क्या बात करते हैं, किसे क्या मैसेज भेजते हैं, और ना जाने क्या कुछ। रणजीत के पास नेहा और स्नेहा के हमराज उनके गुनाहों के रूप में मौजूद थे, और फिलहाल रणजीत उनका भरपूर लाभ उठाने वाला था। आपके घर के दरवाजे पर हूं मैं। थैंक यू सो मच। दो मिनट दीजिए बस। अश्विन जी। जी अभी इसने का फोन आया था, पैसे लाए हैं ना? जी। थैंक यू सो मच। बस मैं इसको लेके अभी हॉस्पिटल निकलता हूँ। जी कैसी है उसकी मौत? सीरियस है, क्या कह सकते हैं। मैं छोड़ दूं हॉस्पिटल? नहीं नहीं, आप क्यों खामखा परेशान हो रहे हो, वैसे भी आपकी बीवी। जी घर पर अकेली होंगी ना। नेहा का फोन? नहीं ये स्नेहा का नहीं, ये तो मेरी बीवी का है, नेहा का सगी बहन है ना, इसलिए सेम सेम चॉइस। मेरी बीवी को मैसेज आ रहे हैं लगातार हॉस्पिटल से, शायद कुछ अर्जेंसी है, तो आप चलिए मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 6:30 बज गए हैं भाई, पानी गर्म करने अभी रखेंगे तब तो चाय बनेगी ना हमारे वक्त तक। आप नहीं, चाय बनाना है, बागान थोड़ी ना उखाड़ने जाना है। आप जाइए। कड़क आप आराम फरमाए हमारे साथ। अच्छा एक बात बताओ, क्या कह के बुलाती होगी अश्विन की बीबी अश्विन को? यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता? अरे मुझे सब पता है। बताया तो था सब। अच्छा क्या कहती होगी अश्विन अशु या एश? एश? यार मैं सोचता था कि मैं बड़ा कमीना आदमी हूं, पर तुम दोनों का दर्जा तो हमसे भी ऊपर है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मिलता है तुम लोगों को शादीशुदा आदमियों पर डोरी डालने में? अरे हम कुंवारे मर गए हैं क्या? कुछ नहीं मिलता। मिलता है तो पैसा, एटीएम, है ना? यही सच है ना? प्लीज अब हम दोबारा नहीं करेंगे ये सब। हाँ कैसे करोगी, और हमारे लिए तो तुम करने भी नहीं देंगे ना। हा? चलिए चाय बन गई है। कितनी देर हो गई हमको बात करते हुए। चलो बाकी चर्चा चाय पर। लेडीज फर्स्ट। स्नेहा पहले पियो। अरे भाई पियो वरना 10-20-30-40 अकड़ बकड़ बंबई बो करना है। पियो। Thank you.
बस पूरी नहीं पीना है, कड़क है चाय। क्या है आपकी बहन का कोई भरोसा नहीं है, क्या कांड कब कर बैठे? भाई तो भी हमको झूठी चाय बेहद पसंद है। कमाल, अद्भुत, क्या चाय बनाई है भाई। ऐसी चाय पीकर तो जी कर रहा है कि जिन हाथों ने ये चाय बनाई है उन हाथों में अपने नाम की मेहंदी रचा ले। अच्छा नेहा, एक काम करना, पिछले हफ्ते अपने मरहूम दोस्त के लिए, सॉरी, शादी शुदा मरहूम दोस्त के लिए जो पीली साड़ी पहनी थी ना, आज हमारे लिए पहनो, लगती कमाल। आपको कैसे पता? सरकारी बेवकूफ वाली बात यार, पिछले 6 महीने से आपके पड़ोसी हैं, पल पल की खबर है कि आप कब क्या पहनती हैं, कब क्या उतारती हैं, कौन कौन मिलने आता है, कौन कौन जाता है। इसलिए ज्यादा सवाल जवाब नहीं, पीली साड़ी है, ओके, और आप अंदर जाइए, वो साड़ी बदलेंगे, आप क्या करेंगे, चलिए अंदर, आइए आइए आइए। दीदी साड़ी पहनेंगी ना, चलो कम ऑन, आओ, वो मेरे लिए पहनेंगे। हेलो, नीलेश जी से बात हो सकती है? देखिए उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी बात नहीं हो पाएगी। देखिए बात करना जरूरी है, उन्हीं का काम है, अगर बात नहीं हो पाएगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा देखिए, लेकिन जल्दी। हेलो नीलेश जी, लाल साड़ी वाली, गजरे वाली, याद है ना? एक वीडियो भेजने वाली है, देख लीजिए। आप कहाँ रहते हैं, आपका नंबर क्या है, आपका पता क्या है? सब पता है उसको, दो मिनट में वायरल हो जाएगा सब, ताकि आप समझदार हैं। क्या चाहिए? 20 लाख, आज अभी के अभी। लाल साड़ी वाले के बरामदे में रखिए, बिना पीछे मुड़े वापस चले जाइए, ओके? जी। क्या हुआ? मुझे जाना हुआ। कहाँ? एक जरूरी काम है। ये क्या किया मैंने, अपने साथ साथ स्नेहा को भी फंसा दिया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी।
तो सिर्फ जाने की कर, लौटने का मैं देख लूंगा। मिल कर दूसरी आईडी पर, ठीक है? जल्दी मिलो तो तुरंत भेज। ओके ओके। बेटा सतीश। अरे वाह अम्मा जी, आप तो आवाज से पहचान गई। यहाँ क्या कर रही हैं? धूप में बैठकर सूरज को ताक रही हैं? सूरज चांद तो सिर्फ गानों में सुने हैं। वैसे कहाँ थे कल रात? अम्मा जी, हमारे चाचा जी की तबीयत बहुत खराब थी, तो हम रात भर अस्पताल में उनकी देखरेख कर रहे थे। और बेटा कम से कम बता के जाया करो, पिछले 6 महीने से रहते हो हमारे साथ, लेकिन हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। जी अम्मा जी, आगे से गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। अभी हम आपको अंदर छोड़ने कमरे में, आइए। भाई साहब, पहले आपने उधर बुलाया। अब सर वो साहब ने फोन किया था, बस वो गए हैं, आने वाले होंगे। आइए प्लीज, आइए आइए सर। नहीं, आपको कहीं देखा? मुझे नहीं देखा होगा सर, साहब आने वाले, उन्होंने कॉल किया था आपको। जी आइए प्लीज, बैठिए आप उधर। पानी लाओ सर। अरे हाँ, आप वही है ना जिसने कल मुझे सड़क से उठा के घर तक पहुँचाया था? सर बड़ी अच्छी याददाश्त है आपकी, अब क्या करें सर। अरे वो साहब भी आ गए, वो बताएंगे। अरे बेटा सतीश, सब ठीक तो है ना? अम्मा जी, गुलदस्ता टूट गया, अभी आते हैं आपके पास। सर बस यही बिल्डिंग है। आइए आप मेरे साथ। मैं अपनी जिंदगी और शादी दोनों को खतरे में डालकर आया हूं यहां पे। मुझे इन सबसे दूर रखिए प्लीज। स्नेहा और उसकी मॉम की जान को खतरा है, किसी ने उनको बंदी बना रखा है या फिर कुछ किया है उनके साथ। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बात मेरी बीबी तक न पहुंचे। घबराइए मत, आप मेरे साथ आइए, आपको कुछ भी नहीं होगा।
तुमसे झूठ बोला। I'm sorry. किसी सकारात्मक इंसान के हौसले जब बुलंद होते हैं तो कामयाबी उसके कदम चूम लेती है, लेकिन जब किसी नकारात्मक अपराधी के हौसले बुलंद हो जाते हैं तो कयामत आ जाती है। रणजीत सतीश बनकर चाची के अंधेपन का फायदा उठा रहा था, और दूसरी जगह नेहा और स्नेहा इनके कमरे की आंख बनकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। डरी हुई दोनों बहनें उसका हुक्म मानती चली गई और रणजीत बेखौफ होकर नए नए अपराध करते जा रहा था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन षड रूपियों पर या इन छह विकारों पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं वो संत सज्जन कहलाए जाते हैं, और जो उन विकारों के तले दब जाते हैं उनके अपराधी बनने के आसार बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही अपराधियों की कहानियां हम आप तक लेकर आते हैं ताकि आप इन विकृत मानसिकताओं के बीच के अंतर को समझ सकें, क्योंकि हम चाहते हैं एक सजग, साहसी और सावधान इंडिया।